सुल्तानपुर में एनएम सेंटर की गंदगी का वीडियो बना रहे सोशल मीडिया पत्रकार ललित यादव की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें लाठी और चप्पलों से स्वास्थ्यकर्मी द्वारा ललित यादव की पिटाई की जा रही है। इधर को दिखाइए, यही सरकारी अस्पताल है, उसके जस्ट सामने, इसके सामने कम से कम 3 से 4 फीट की जंगल झाड़ियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुत्तों की लैट्रिन है, आवास का मेन गेट है, और इसके जस्ट सामने कुत्तों की लैट्रिन आपको दिख रही होगी। मारने दीजिए, मारने दीजिए, देखिए गुम्मा से किस प्रकार मारा जा रहा है, देख सकते हैं। हाँ, और मारिए, देखिए। एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए समिति गठित की, जिसमें एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही दोषी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्यकर्मी जनक लली द्वारा ललित यादव की शिकायत कूड़ेबार थाने में की गई, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी जनक लली ने सोशल मीडिया पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें 10,000 प्रतिमाह की वसूली, सरकारी वैक्सीनों को फेंकना, रजिस्टर फाड़ने की धमकी देना है, जिसके बाद ललित यादव को जेल भेज दिया गया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मारा जा रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार, देखिए देखिए देखिए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए। हाँ सुनिए, हाँ बुलाओ, देखिए देखिए देखिए, आप देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, लाठी भी चल रही, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, और मारिए, देखिए। एक महिला, मैं इनके ऊपर प्रहार करना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हैं, ये एक महिला है, मैं इनको करना नहीं चाहता हूँ। उनको दिखाइए कौन आई है, देखिए। बस यार, भागियो 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 भागियो, बस बस। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने टीम गठित करके एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का हाल उजागर करने वाले एक मीडियाकर्मी को स्वास्थ्यकर्मी द्वारा पीटे जाने की घटना आपराधिक मामले की तरह देखा जाए। अगर हर जिले में एक भी ऐसा साहसी पत्रकार हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सच्चाई सबको पता चल जाए। आवास का मेन गेट है और इसके जस्ट सामने कुत्तों की लैट्रिन आपको दिख रही होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच में यह चलने लगा कि ललित यादव पत्रकार है कि नहीं है। इसी क्रम में ट्विटर यूजर ने, जिनका नाम नितुल तिवारी है, उन्होंने लिखा, मान लिया कि वह पत्रकार नहीं है, एक आम नागरिक होने के नाते उसे सच्चाई दिखाने का पूर्ण अधिकार है। उसने स्वयं को पत्रकार बताकर गलती की, लेकिन एक नागरिक होने का उसने बखूबी दायित्व निभाया। इस लड़के पर दर्ज हुई FIR में मनगढ़ंत तथ्य लिखवाया गया है, जांच में मामला साफ हो जाएगा। साहब सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पत्रकार कहे जाने वाले ललित यादव ने भी कूड़ेबार थाना में कंप्लेन दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 5/7/2023 को जब वह एनएम सेंटर पहुंचे, वहां पर मौजूद जनक लली से उन्होंने सवाल पूछा कि आप रेगुलर यहां पर क्यों नहीं आती हैं या समय से क्यों नहीं आती हैं, जिसकी वजह से गाँव वालों को दिक्कत होती है। तो उनका कहना है कि जनक लली भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगी, चप्पल और डंडे से उसे पीटने लगी, किसी तरह वह अपनी जान बचा कर वहां से भागा। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो जांच का विषय है, जांच होने पर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।